सेल्फ कंट्रोल करोगे तो निकलोगे, नहीं तो खत्म हो। सेल्फ कंट्रोल आपका कमजोर हो गया, सेल्फ कंट्रोल आपका कमजोर हो गया। बाकी चलो आपके पापा के पास कंट्रोल था, तुमने बहुत तेज गति से उठाया, आपके पास कंट्रोल नहीं, आप खत्म हो गए। आपके कई मित्रों का भी अच्छी कंपनी में हो रहा है, देखो तो वो सेल्फ कंट्रोल उनका बहुत बेहतरीन है। सेल्फ कंट्रोल लिख के रखिएगा, ये चीज आपके अंदर से जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, आखिर दो दिन बचे हुए हमारे TCS में इनका हुआ है, TCS कंपनी में इनका हुआ है, यहाँ विस्तार में इनने स्टडीज की थी ज्ञान नगर कॉलेज से। ठीक है, बस पार्टी चाहिए। सवाल जबलपुर के हिसाब से ठीक है। मेरा एक सवाल आप सबसे, मतलब आपसे ये है कि जॉब मिलने के बाद वहां पे रहने के लिए या बने रहने सबसे टफ होता है, मिलना तो भी आसान हो जाता है, एक बार रहना बहुत टफ होता है, उसके लिए मेंटेलिटी क्या डिसाइड करते हैं? मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको जॉब में रहने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या जरूरी है, आपका अंडरस्टैंडिंग संस्था के साथ। सुन लीजिए, अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड, इसका डेफिनेशन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग संस्था के साथ अच्छी है आप बने रहोगे, जिस दिन अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी आपकी संस्था के साथ आप भागो। ठीक है, आप देखते हो कि जितनी भी कप्तानों की कप्तानी जाती है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैनेजमेंट से उसकी लड़ाई चलती रहती है। अभी देखे हो कोहली की बहन पे लड़ाई चल रही है, कभी कोच से भिड़ गए, मैनेजमेंट से भिड़ गए, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ रही थी, गई कप्तानी। ठीक है, कई खिलाड़ी जो खूब लड़ते हैं उनको खेलने अगले बार टीम में दिखाई नहीं जाता सर, लेकिन ज्यादा चमचागिरी भी तो खराब है। तो चमचागिरी की अभी बात ही नहीं है, चमचागिरी तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब मिलकर चलो, आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनो, क्या चमचागिरी भर की बात है? सीधी सी बात है, मैं कह दे रहा हूँ मेरे साथ आप निभा के नहीं चलोगे, मैं आपकी जगह दूसरे को देख लूंगा। आप सचिन तेंदुलकर हो तो आपसे बेहतर भी खिलाड़ी मेरे पास है, आप जाइए। तो अंडरस्टैंडिंग मिलाना सीखो, आप घर से भी, कई लोग बच्चों को बाहर निकाला जाता है, कई बच्चे घर से भी बाहर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग माँ बाप से मिल नहीं रही थी, अलग हो गए। एक बार अंडरस्टैंडिंग तो मिलाना सीख लो, पढ़ो। आप दो ही बचे ना, दो तीन बची, वो भी एक लड़की बची है। सवाल मेरा ये है, कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट अगर होने की स्थिति बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करो, लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़े के केस में क्या आपको करना जरूरी है? कि बहुत तेज लड़ाई झगड़ा हो गया, एक तरफ मैनेजमेंट हो गया, एक तरफ एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट एम्प्लॉई के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। हाँ। हम सबसे पहले सर ये चीज देखेंगे कि मतलब अपना काम हम एडजस्ट करें, ताकि हमारे में मैनेजमेंट ना करके हम अपना स्मार्ट वर्क करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कंपनी के लिए सर, ताकि हमको कोई आगे से सामने से कुछ बोल ना सके, और कंपनी की मुसीबत हम उसके साथ कर देंगे, ताकि सर कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है तो कंपनी हमको ये देखेंगे कि ये बात हमारे साथ था, इसलिए हम इसको आगे ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर एक चीज वाली बात होगी, ठीक है वो आपकी थॉट है, अभी क्या मुझे ओवर भी करना, भी क्लास भी है एमसीए वालों की। नेक्स्ट आपसे सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ लाइफ में सक्सेस होने का सबसे बड़ा रूल आपने क्या बनाया, आपको लाइफ में सक्सेस होना है, एक रूल ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ रूल्स को फॉलो करूंगा जिससे मैं सक्सेस बनाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या सोचा कि कुछ डिसिप्लिन मैं बना के रखूंगा जिससे मैं हमेशा ऊपर 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 चलता जाऊँ, डिसिप्लिन है। क्या डिसिप्लिन बनाया? डिसिप्लिन बनाया कि हम अच्छे से मेहनत करेंगे, बस अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से तो यहाँ पे बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, इसी कारण से भी जबलपुर में अच्छे से रोजगार भी किसी को नहीं मिलता, अच्छे से क्या सब चीजों का अच्छे से होता है क्या? हाँ वो स्मार्ट वर्क, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। सोचो भैया जिंदगी में कहाँ डिसिप्लिन बनाओगे जिससे ऊपर उठो, क्योंकि जितने लोग ऊपर उठो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, देखो किसी को संडे में कल बैठ जाओ फिर भी नेक्स्ट डे। ठीक है, तुम बाद में क्वेश्चन पूछ लेना। मेरा सवाल सुरभि जी आपसे ये है कि आज लड़ाई है पैकेजों की, आज बंदा ध्यान रखना कंपनी की प्रोफाइल से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता कितना कमाते हो, तो पैकेज बढ़ाने के लिए
क्या आपके अंदर प्लान्स है, बिकॉज ध्यान रखना 5 लाख की पैकेज लेते हैं तो 10 लाख नहीं हो पा रहा है, उतने में भी आपके रिश्तेदारों को जीना आराम करते, 5 साल से 5 लाख में अटके हो, मेरा लड़का तो 25 लाख में चला गया, तुम्हारे देश सगा भाई चचड़ा भाई वगैरह भाई देखो कहाँ निकल गए, पैकेज बनाने के लिए क्या सोचा, कई लोग 8 लाख की पैकेज में लगा, 60 लाख सफिशियंट, 8 से 80 लाख नहीं पहुंचोगे, क्या करोगे पैकेज बनाने के लिए? और अगर मान लीजिए कि उसके बावजूद पैकेज ना बढ़े तो, और लेकिन ये कि तुम्हारे दोस्तों के पैकेज बड़ा और बढ़ गए थे, कंपनी चेंज करेगी और क्या, चेंज कर लो कंपनी देखिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अर्शिका से दिए ना, अर्शिका जी सवाल चल जल्दी उठो उठो फटाफट, एस एच आर मैंने मान लीजिए आपको कहा कि ये मेरे पास एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट को आपको 10 टाइम्स बढ़ाना है, ये आपका जॉब रोल भी रहेगा, क्लाइंट बढ़ाने के लिए आप अपने अंदर क्या चेंज लाओगे, क्योंकि कोई भी कंपनी ध्यान रखकर क्लाइंट गंवाना नहीं चाहती, क्लाइंट बढ़ाना चाहते हैं आपके थ्रू, तो क्लाइंट बढ़ाने के लिए क्या करोगे कंपनी के, बेचना नहीं है आपको बनाना है, बनाना है, मैं यहाँ बेच नहीं रहा खुद को, मुझे मालूम है कि जिस साल में अगर मुझे एडमिशन बढ़ा रहा है तो उसके लिए नहीं कि कल सनी सर हमने डिसाइड किया 20% लेस फीस, 20% लेस फीस की फीस उतनी रहेगी पर बच्चे बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, क्वालिटी और दो चीजें आपके पास, दो चीज एम्प्लॉय आपके पास कस्टमर कब बढ़ते हैं, पहली बात क्वालिटी अपने बढ़ाओ, दूसरा सामने वाले की सुनो क्या बोल रहे, डिस्काउंट देना नहीं तो मुझे क्यों लगा, ये तो क्या फिर हम लोग भी दे 40% डिस्काउंट अंदर आ जाओ, विस्तार के अंदर डिस्काउंट नहीं देता और हमारे पास भीड़ बहुत लंबी रहती है, कारण क्या है हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं, यहाँ पर पूरा स्टाफ पूरा मैनेजमेंट हम सचिन सर मिश्रा सर पूजा मैडम और भविष्य में जो भी होंगे वी आर आवर क्वालिटी गर्ल्स, हम मजाक नहीं कर रहे कि 20-50% में तुम्हें घटिया स्टडी देंगे, हम 100% में परफेक्ट स्टडी आपको देंगे, ये डंकी के चोट में विस्तार बोलते हैं। अंशिका लास्ट सवाल आपसे, अंशिका जी ठीक है तुम तो खड़े ही हो जाओ क्योंकि बैठे बैठे तुम सो रही हो, वैसे और दीवार मिल जाती तो और दीवार किसी मिल गया सटने के लिए, मुझे बताइए कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप अपने ग्राउंड को ऑन